महाराजा, जिसकी मदद से डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए गए थे विदेश। भारत रत्न से नवाजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव से जूझते हुए विषम परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा थे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट एक बहुत बड़ी समस्या थी। बता दें कि युवा भीमराव अंबेडकर अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से करना चाहते थे। उनके विदेश में पढ़ने के सपने को साकार करने के लिए एक महाराजा ने मदद की थी। हाल ही में करंट अफेयर्स पर आधारित रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर बैठे एक प्रतियोगी से यह सवाल पूछा गया था। हालांकि प्रतियोगी के लिए इस सवाल का जवाब आसान नहीं था और उसे एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ी। तो आइए जानते हैं उस महाराजा के बारे में जिसने युवा अम्बेडकर को विदेश जाने में मदद की थी। साल 1913 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा महाराजा के यहाँ आर्थिक मदद के लिए आवेदन दिया। बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के पास जब अंबेडकर का आवेदन पहुंचा, तो उन्होंने इसे मंजूर कर सालाना स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। इस स्कॉलरशिप की मदद से अंबेडकर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना आसान हो गया। युवा अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई कर वापस लौटे तो उन्हें बड़ौदा राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही राज्य में एक कानून बनाया गया कि राज्य में अनुसूचित जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकें। पिछड़े वर्ग, महिलाओं के साथ आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बड़ौदा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का अंबेडकर पर भी असर पड़ा, जो संविधान निर्माण के दौरान नजर आया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय अपने राज्य में शिक्षा, कला, नृत्य आदि क्षेत्रों से जुड़ी बड़ी हस्तियों को संरक्षण देने में भी आगे रहते थे। ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविंद समेत कई हस्तियों को महाराजा सयाजीराव ने आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देते हुए कई स्कूल खोले और प्राइमरी शिक्षा मुफ्त करने के साथ अनिवार्य कर दी।